हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंडित जी कैसे नामकरण करते हैं और उसके बाद किस तरीके से कुआं पूजन किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो स्टार्ट ही हो चुका है। पंडित जी ने चावल लिया है, हल्दी लिया है और उस पर 5-5 का सिक्का रख रहे हैं। यहाँ पे बेबी को तोला जा रहा है गेहूं से। मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो यहाँ पे बाबू का जितना वज़न होगा उतना वज़न का गेहूं तोला जाएगा। पता नहीं, शायद गेहूं का दान करेंगे या क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। भगवान राम, भगवान विष्णु, मंगलम दुर्गा मंगलम, पंडित जी का अक्षय मंगल आयतन गुरी लाभ इसके शाम कृष्ण नाम जिसके शाम परागय। बस बस बढ़िया ना, चले उधर चले जा। हम देख रहा पापा दे ताकि देख रहा बनिए भैया। यानी बड़ी मम्मी को देख रहा है। बड़ी मम्मी देख रहा है। कह रहे कर क्या रही है, मैं पैदा हुआ मेरे साथ लग गई। सूर्य आप क्या कर रहे हो? बत्ती लाओ, रूह की बत्ती लाओ। तो भैया आ चुके हैं और अब पूजा स्टार्ट करेंगे। बाकी देखो सूर्य कुछ मांग रहा है पंडित जी से। और रख दे लायक यहाँ पापा जी सिक्का दे रहे हैं भैया को और रजनी को। ये गिर गया नीचे। सभी लोग आ चुके हैं, कुछ रह गए हैं। जैसे जैसे पूजा स्टार्ट होगा सब एक एक करके आ जाएंगे। वैसे मेन पूजा इन दोनों को ही करना है। हम भी तो दिख ही ना रही इधर से, तो ऐसा आ रहा है फोटो। अब दिख रही हूँ। हंसो मम्मी, अब बिंदी दे दिख रही है आपकी। ये मम्मी की बिंदी बिंदी। पापा खुश हो जाएंगे, मन में तो हो गए होंगे। अब आ रहा है, बस इतना ही बहुत। आप अरे हमें ऐसे लोग पढ़े ऐसे ही बांध रहे हो। अरे मन में पढ़ रहे हो। सातो जन्म तेरे। ए भैया तुम शांत हो जाओ। अब तो ज्यादा ही भैंस लो। छोटा ना, छोटा ही रहेगा ना, अभी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सूर्य इतना सही हुआ था कहीं जी रहे सोच रहे हो। सूर्य ये कौन है? बेबी छोटे भैया आपके। अरे नेत्र।
तो मैंने भी बेबी को गोद में लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब सूर्य छोटा था उसे मैंने गोद में खिलाया है, बाकी उसके बाद में अब बेबी को गोद में ले रही हूँ, तो रियली में बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं जब सूर्य छोटा सा था, और ये भी सूर्य का भाई है तो एक जैसा फीलिंग ही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो रहा है अभी ये। तो यहाँ पे पंडित जी के लिए खाना निकाला जा रहा है, थोड़ी सी सब्जी और देखो बेटा, अभी खाएंगे बस 2 मिनट रुक जाओ। दो तरीके की सब्जी है ना। यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि बाबू का नाम ड से निकला है, ड से। तो गाइस ड से निकला है नाम बेबी का, जैसे कि डालचंद, तो ड से तो बहुत कम नाम है। अगर आपके दिमाग में कोई नाम हो ड से तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरी सासू माँ ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि इसका नाम ड से अच्छा सा ढूंढूं और बेबी का नाम मैं रखूं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। चलो भाभी जाओ। ठीक है, जाते हैं। ये हमारी भाभी जी हैं, ये गाय को पूड़ी खिलाने जा रही हैं और ये पहुंच गई हैं गाय के पास। देखो देखो ये खाने वाली है। और ये खिला दिया, इधर तो देख लो, पूजो तो वही सही खिला से। दिया पूजो तो सही, ये गुस्सा कर रही है, कहेगी जब पड़ोसी ने खा। तो मैंने गाय को पूड़ी खिला दी है। हेलो, हो गया बनाना। तो बिजली चली गई थी, अभी बिजली आई है, तो मेरे देवर पानी भर रहे हैं, क्योंकि पानी भर के रखना पड़ता है पहले से ही। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं घर की हमारी महिलाएं क्या कर रही हैं। तो पैर रचा रही है, तो अब हम बेलने वाले हैं पूरी, तो पहले इनका वीडियो बना लूं और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी पूरी बेलने के लिए, और बहुत सारा पूरी बेलना है अभी तो। उन्हें पैसे मिलते करने को या फ्री में काम कराते चलो चलो गिलास किचन में है। दोस्तों हमारे यहाँ पे एक रस्म होता है जिसे कि चोचक बोला जाता है, और चोचक में जितने फैमिली वाले होते हैं ना उनके लिए और जो बेबी होता है उनके लिए कपड़े आते हैं, जेवर वगैरह आते हैं, खिलौने आते हैं, और यह जो है लड़की के मायके की तरफ से आता है, मतलब कि जिन्हें बेबी होता है ना उनके पापा मम्मी भाई जो भी हैं वो लेके आते हैं, तो सबको इसी तरीके से बुला बुला के दिया जाता है। कपड़ा लिया, बात कर क्या करना, वीडियो बनना कर लिया, साड़ी फाड़ लिया, हाँ जी सूर्य सो रहा है। तो गाइस अभी शाम के समथिंग बज रहे हैं 5, और मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उल्टी सा आ रहा है एंड चक्कर भी आ रहा है, और अभी कुआं पूजन भी है। तो ये देखिए कुआं पूजन के लिए हम तैयार हो गए हैं, वीडियो शूट थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ क्योंकि
बीच में जो भी खाने पीने का था उसका मैंने सूट नहीं किया। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, मैं आराम कर रही थी, सो गई थी थोड़ी देर। सबके ले जाओ। चुके हैं कुआं के पास जहाँ पे कि कुआं पूजन होगा और यह रस्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो ये समझा रही हैं चाची जी की कैसे रस्म करना है। ढोल वाले भैया बहू को अंदर जाने के पैसे मांग रहे हैं।
अब हम अपने घर जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी भी हो गई है और सब अभी खाना खा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मेरा तो मन जाने का है नहीं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई भी घर पे रखी हुई है तो दवाई भी खाना है, तो वापस से बहुत जल्दी आ जाऊंगी मैं यहाँ। Hey guys, good morning, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो मौसम देखो आज का कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। एंड हम रात में घर आ गए थे, एक्चुअली मैंने मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उल्टी वगैरह हो गया था, तो मैंने और वीडियो भी शूट नहीं किया था, और भी बहुत मस्ती की थी, सब ने की थी, मैंने तो खैर नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में भी मतलब कि खाना पीना जो दावत होता है ना, वो रात में भी हो रहा था, रात मतलब शाम में हो रहा था, लेकिन कुआं पूजन के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं बैठी रही, लेटी रही और वीडियो शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया। आते टाइम क्या हुआ कि मेरी सासू माँ ने कहा तुझे नज़र लग गई है, और सबके बीच में खाना नहीं खाना था बैठ के, मतलब क्या वो पता है गाँव में क्या होता है, सासू माँ वगैरह जो होती हैं या फिर उनको ऐसा लगता है नज़र वगैरह, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कल, बहुत ही ज़्यादा। एंड साड़ी भी पहन के रखा था, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक वैसे है नहीं, आपको पता ही है थोड़ी सांस की और जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, तो गर्मी में और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो गई थी, तो हमें आना पड़ा। मैंने तो खाना भी नहीं खाया रात में क्योंकि मन ही नहीं था, मेरे हस्बैंड ने रोटी खाई एंड उसके बाद हम यहाँ पे आए। और ये देखो सब सामान ऐसे फैला हुआ है, ये कपड़े हैं जो कि वहाँ से हमें मिले हैं, चोचक बोलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। वैसे तो मुझे ये पर्था बिल्कुल पसंद नहीं यार, क्योंकि किसी का पैसे खर्च कराओ, लेकिन गांव वगैरह में बहुत पहले से पर्था चली आ रही है तो हमेशा चलेगी, और बेबी के लिए उनकी माँ के लिए बहुत सारे चीज़ आते हैं, कपड़े लगते हैं, जेवर वगैरह आते हैं, तो उनका मैंने वीडियो बनाया नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया था। तो ये कपड़े हैं सूर्या के, जीन्स और ये शर्ट, एंड ये सूर्या के पापा के हैं, और ये जो है ये वाला जिनको बेबी हुआ है ना, भैया को, मेरे देवर को, उन्होंने दिया है सूर्या के लिए, बहुत ही प्यारा सा है ना, देखो ये है, एंड इसका ये पैंट है, और ये सूर्या के पापा को दिया है। वैसे ये पैंट सिलवा के पहनते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करूँगी मैं कि सिलवा लेंगी, बहुत प्यार से दिया है। और ये सारे दिए मुझे जो मेरी देवरानी है ना रजनी, उनके घर वालों की तरफ से ये आया है, और ये मेरे देवर ने दिया है साड़ी, मतलब मेरे देवर देवरानी ने, तो ये मिला है मैं वहाँ से। और अभी मैं चाय पी रही हूँ अपना, देखो ये मेरा चाय रखा हुआ है, एक्चुअली मैं बाहर नहीं पी रही हूँ क्योंकि बाहर सूर्य है और वो चाय पीने देता नहीं है, बहुत कूदता है, तो मैंने सोचा अंदर ही शांति से पी लेती हूँ। एंड अभी मुझे खाना पीना सब कुछ करना है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और आई थिंक कि आपको पसंद आया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और यदि कोई कमी लगे, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं सुधार कर सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। ओके बाय, टेक केयर।